हेलो गाइस, वेलकम। सो आप सब आज टाइम पर आ गए हैं। हेलो कमलेश, हेलो सौरभ, पहले ही लाइक है, थैंक यू। हेलो, चलो तो आज मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए एंड उसके पहले MCQs डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर डिस्कस द MCQ आज हम पढ़ेंगे अबाउट द जो कल का बचा हुआ था, दैट इज द प्लांटी एनिमेलिया एंड वायरस विरियॉट्स प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लो, और आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ लिंक शेयर कर दिया करो लाइव क्लास का, सो दे कैन ऑल्सो ऐड इन दिस। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है साथ में सबकी। अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। आज मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस रखे हैं आप सबके लिए, एंड आई वॉन्ट दिस कि आप लोग आज मुझे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद ये बताओ कि आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आज टोटल 7 है। ठीक है, आप देख सकते हो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। आई ट्राई टू ऐड मोर टुमारो, बट अभी जो 7 है उनमें हम ये जानेंगे कि आप में से आपके कितने ठीक गए। तो उसके लिए आप अपने पास राइट डाउन करके रखोगे कि मेरा ये वाला आंसर ठीक था या गलत था। ठीक है, सो हाउ मच स्टूडेंट्स आर ज्वाइन, फटाफट से ज्वाइन करो। आई एम वेटिंग कि आप लोग जब ज्वाइन करोगे एटलीस्ट 5 या 6 बच्चे हो जाएंगे, देन आई स्टार्ट। ओके, 7 हो गए, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एंड हाँ एक चीज आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना है। ठीक है, अब्दुल हामिद, हेलो अरनाज, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको इसमें से एक रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पहला दिया हुआ है डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ये बात ठीक है या गलत है बताइए आप लोग। अकॉर्डिंग टू यू दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? आई वॉन्ट सब लोग आंसर दें। 7 आंसर मेरे पास आने चाहिए इस क्वेश्चन के। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिबली इन द वॉटर, इट इज राइट? राइट और नॉट? नेक्स्ट इज द वॉल्स ऑफ डाइटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टिबल। ये चीज आप लोग बताओ मुझे कि ये चीज सही है या गलत है। नो, डाइटम्स की जो वॉल्स होती है वो ईजली डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ ये किसकी बनी हुई होती है? सिलिका की बनी हुई होती है। मैंने आपको बताया था अबाउट दी सोप बॉक्स, तो सोप बॉक्स की तरह वॉल्स होती हैं। या यू आर राइट सौरभ, यू आर राइट आसिफ, की जो वॉल्स होती हैं डाइटम्स की दे आर ईजली डिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विरियॉट्स। तो विरियॉट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, बट आप लोग बताओ कि आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा। देन आई विल डिस्कस, जब मैं चैप्टर डिस्कस करूंगी देन आई विल टेल यू कि क्यों इसका आंसर ये हुआ था। ठीक है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट से। 8 बच्चे हैं, आई वॉन्ट सबके कॉमेंट आए फटाफट। एंड गाइज लाइक कर दीजिए लाइव सेशन को, बिकॉज आप सब लोग 8 हैं, एटलीस्ट 8 स्टूडेंट्स लाइक द लाइव सेशन, बिकॉज हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सौरभ ने आंसर दिया है 4, और फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। पायल बोल रही है कि 2 इज द आंसर। ओके, आसिफ बशीर, यू आर राइट। आसिफ का ठीक है, एंड वन ऑफ द पर्सन सौरभ, या सौरभ का ठीक है। पायल आपका आंसर गलत है, तो आप अपना नोट डाउन कर लो कि आपके 7 में से एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सब लोग मुझे अपना अपना बताएंगे स्कोर, कि आपका स्कोर कितना हुआ था, 7 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए। कमलेश, योर आंसर इज रॉन्ग। आज मैं डिस्कस करूंगी जब विरियॉट्स के बारे में, तब आप जरूर प्रेजेंट होना और जरूर से ध्यान देना कि आपका ये क्वेश्चन गलत क्यों हो गया। ठीक है, बिकॉज इट इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बाहर एक भी चीज नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। बहुत ईजी आंसर है,
टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. बहुत इजी है, आप सब लोगों को डेफिनेटली आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये मोस्ट ऑफ का बिल्कुल ठीक होने वाला है. कमलेश थाबी यू सेव ए. ओके जल्दी जल्दी और लोग रिप्लाई करो. सौरभ पायल मनीष सेज टू. ओके और भी बहुत सारे लोग हैं, रिप्लाई करिए फटाफट से, आई एम वेटिंग. फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है. बी ओके सौरभ से वी पायल ने बोला है वी. और अरनाज आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है यहाँ पर, तो फटाफट से क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कीजिए. ओके सेकंड सेकंड मैम मेरा नाम कमलेश नहीं विवेक है. ओके मतलब आपने कमलेश लिखा हुआ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट. ओके सो आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है. किसी किसी ने अगर ए चूज किया है तो आपका आंसर गलत है. सेकंड ऑप्शन इज अ राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. हम डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा. ओके यहाँ पर बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं जो अपने पापा के नाम से यूट्यूब चैनल है उनके, तो उनकी वही आईडी शो होती है, दैट्स व्हाई, ठीक है. ओके कमलेश सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टेल मी अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर ग्रुप्ड अंडर. ये एट गलती से लिख गया है आर ग्रुप्ड अंडर. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फटाफट से, मतलब बहुत अच्छे से आप लोग इसके आंसर दे सकते हो. ये तो इतना इजी क्वेश्चन है ना, इट्स लाइक अ हलवा क्वेश्चन, ठीक है. तो फटाफट से इसका आंसर दो. सौरभ का आंसर है फोर, मनीष का आंसर है फोर, और सब कहाँ गायब है, फटाफट से आंसर दो. टाइप करने में इतना टाइम नहीं लगता है, जब लड़ाइयाँ होती है फ्रेंड से बॉयफ्रेंड से तब तो बहुत जल्दी टाइपिंग करते हो आप लोग. आज क्या हो गया, आसिफ ने बोला है फोर, वेरी गुड. और लोग फटाफट से आंसर दो, फोर फोर फोर, वेरी गुड. मतलब जितने लोगों ने आंसर दिया आप सबने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है. इसे किंगडम प्लांटी में रखा गया है, हम एक चैप्टर भी पढ़ते हैं दैट इज द प्लांट किंगडम. और प्लांट किंगडम के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है. सो कल से वही चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अभी से सबको बोल दे रही हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में मैं चलाने वाली हूँ सीरीज. हर दिन हम 3 बजे यहाँ लाइव सेशन करेंगे और हम डिस्कस भी करेंगे एमसीक्यूज को, एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, वेटेज को डिस्कस करेंगे चैप्टर में, और चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि वॉट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनसीईआरटी, ठीक है. तो कल भी सब लोग टाइम पर आ जाना क्योंकि मैं 3:02 या 3 पे शुरू कर देती हूँ एमसीक्यू. सो रोहित ने अभी आंसर दिया, रोहित का आंसर भी बिल्कुल ठीक था, 4. हाय ठीक है. नाउ क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज विच ऑर्गेनिज्म आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. यहाँ पर आपको जो ऑप्शन 4 दिख रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है बोथ 2 एंड 3, वो थोड़ा टाइपिंग में हो गया, बट यहाँ पर है बोथ 2 एंड 3, ठीक है. सो टेल मी द आंसर, व्हाट इज द आंसर. मैं हिंदी में भी बता दूं क्या, मतलब किसी को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको हिंदी में बता दिया करूंगी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है. चलो फटाफट से इसका आंसर बताओ. अभी मुझे सिर्फ मनीष ने इसका आंसर दिया है एंड सौरभ ने इसका आंसर दिया, ओनली 2 हैं जिन्होंने आंसर दिया, रोहित, मनीष, आसिफ, बशीर. ओके सबका आंसर है 4, वेरी गुड. प्रोटोजोआ को रखा गया है, प्रोटोजोआ किसके अंदर आता है, प्लांट किंगडम में आता है, एनिमल किंगडम में आता है, या फिर मोनेरा या प्रोटिस्टा में आता है, फटाफट से आंसर दो मुझे, बताओ बताओ बताओ, प्रोटोजोन्स किसके अंदर आते हैं. चलिए आप सबका आंसर ठीक है, पर किसी ने मुझे प्रोटोजोआ वाला आंसर नहीं दिया, इट्स वेरी वेरी बैड, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द हु आर द फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच. टेल मी द आंसर. हु आर द फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच. आप लोगों के आंसर सही हैं, सौरभ, आसिफ एंड मनीष, आपने बिल्कुल ठीक बोला. ये तीनों ही बहुत ज्यादा एक्टिव हैं एंड दैट इज गुड. अभी पायल भी क्वेश्चन के आंसर दे रही थी बट
पता नहीं वो आंसर उसको आते नहीं है या वो चली गई है लाइव क्लास से, आई डोंट नो, बट ट्राई टू गिव आंसर एटलीस्ट एक बार, अटैम्प्ट करने की कोशिश करो. यहाँ अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ नीट के एग्जाम में बैठ के क्या अटैम्प्ट करोगे. अभी से अपनी हेजिटेशंस को खत्म करो. चलो देखती हूँ किस किसने क्या क्या आंसर दिया है. मनीष ने बोला है सेकेंड, सौरभ ने बोला है फर्स्ट, मोहम्मद अफशा ने बोला है दो सेकेंड, एंड आसिफ ने बोला है फर्स्ट. ओके तो मतलब ये वाला क्वेश्चन में बच्चे आज भी कंफ्यूज हैं, बिकॉज अगर आपके इतने फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं दैट मींस कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आज तक क्लियर नहीं हुआ है ना. द आंसर इज द एरिस्टोटल. ओके सो आंसर ए इज करेक्ट. आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो, मैं ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा चुकी हूँ. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम. तो बताओ इसमें से कि कौन सा किंगडम है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज है. दैट इज, इट इज हेटरोट्रॉफिक, इट इज यूकैरियोटिक, इट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो लैक सेल वॉल. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से आंसर दो यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है. सात बच्चे हैं और सातों बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं. आंसर मी, आई एम वेटिंग. देखो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि हेटरोट्रॉफिक है किंगडम में, यूकैरियोट्स भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, उनके पास सेल वॉल भी नहीं है. हाँ बच्चों ने आंसर सही दिया है, फोर, वेरी गुड. अब्दुल हामिद फोर, अरनाज, आई थिंक अरनाज फोर्थ आंसर. मनीष ने आंसर दिया है एनिमेलिया, वेरी गुड. या राइट आंसर इज एनिमेलिया. आसिफ आपका आंसर गलत है, प्रोटिस्टा नहीं है इसका आंसर. अफशा आपका क्वेश्चन का आंसर भी गलत है, प्लांटी में सेल वॉल होती है. ठीक है अभी हम पढ़ेंगे आज, तो आज सबके सब प्रेजेंट रहेंगे, बिकॉज प्लांटी में भी पढ़ना है हमें, एनिमेलिया को भी पढ़ना है, वायरस वीरियोट्स लाइकेंस प्रियोन्स को पढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो वायरस वीरियोट्स प्रायंस है ना, मतलब इनमें से अगर आप इस चैप्टर में ये भी पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे से आपके मार्क्स उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया था अबाउट द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर कि इसमें से आपको दो से तीन क्वेश्चन मिलेंगे आपके नीट एग्जाम में, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको वायरस से ही मिलते हैं. ठीक है वायरस का क्वेश्चन आता ही है इसलिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है आपका आंसर सही है फोर, वेरी गुड. तो आई थिंक आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं. ये वाला भी हो गया है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है आई थिंक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके अच्छा आप लोग मुझे ये बता दो कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ था या नहीं हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हो गया. ओके वेरी गुड. तो अभी मुझे जितने भी लोग प्रेजेंट थे शुरू से जिन्होंने सातों क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, टेल मी कि आपका आपका स्कोर क्या रहा है, सात में से कितने आपके आंसर ठीक रहे हैं. फटाफट से आंसर दो मुझे. तब तक के लिए मैं सेट कर लेती हूँ पीडीएफ में और आज हम पढ़ेंगे. वेरी गुड. सो वेरी गुड सौरभ, आपका आंसर सही, मतलब आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, वेरी गुड, आई लाइक इट. और किसी का आंसर नहीं आ रहा है, गलत हुए हैं क्या आप लोगों के. चलो शुरू करते हैं हम पढ़ना. छ, मनीष आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं. कमलेश सॉरी मैं आपका नाम फिर से भूल गई. ओके आपके सिक्स ठीक हुए, कोई बात नहीं. आज वैसे इतने टफ क्वेश्चंस भी नहीं थे, आई ट्राई टू ऐड सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन सो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी. ठीक है ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी. अगर अभी टफ क्वेश्चंस मिलेंगे तो नीट का जो एग्जाम के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ईजी लगेंगे. ठीक है सो आप में से कितने लोग चाहते हैं मैं थोड़े और टफ क्वेश्चंस बनाऊँ. अभी के लिए हम प्लांटी एनिमेलिया वायरसेस वगैरह पढ़ने वाले हैं. ठीक है कल, और ऐसा करते हैं एक दिन का मैं, जैसे कि आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर मैं एक दिन पूरा लाइव सेशन लूंगी, जिस दिन पूरे टाइम मतलब जितने भी देर का मैं लाइव सेशन लूंगी उसमें पूरे टाइम हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को. ठीक है
ओके दीपक शर्मा, आप लेट हो गए. आपने क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस आप लोग क्या चाहते हो, कि लाइव सेशन के शुरू में ही डिस्कस कर दूं या फिर एंड में डिस्कस करूं? ओके वेरी गुड मनीष, ऐसे ही होना चाहिए. एटलीस्ट अगर आपने 6 ठीक किए, ट्राई कि आप सारे के सारे ठीक करो, है ना, क्योंकि अभी तो ये इतने डिफिकल्ट भी नहीं थे. नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन रखूंगी. अभी आप लोग ये बताओ मुझे, जो मैंने आपसे अभी पूछा कि आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, जैसे कि अभी हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, दैट इज द लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो गाइस, डू यू वांट कि मैं कल का जो एक लाइव सेशन लूँ उसमें हम सिर्फ एमसीयू डिस्कस करें? तो आप लोग फटाफट से मुझे इसका आंसर दो. सो कल का लाइव सेशन मैं सिर्फ एमसीक्यू से ही रखूंगी, बिकॉज आई नो आप सबको एमसीक्यू अटेंड करने में बड़ा मजा आता है. यस मैम, यस वेरी गुड. तो ठीक है, कल का ऐसा ही करता है. फटाफट से सब लोग, जितने भी लोग हो, लाइक कर दो लाइव सेशन. एंड ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कल लाइव सेशन रखेंगे और पूरे टाइम हम सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो. ओके आप गुजरात में हैं, दैट्स व्हाई आपका आंसर लेट आता है. नो ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द नेट प्रॉब्लम. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कंटिन्यूशन चल रहा है. कल हमने फंजाई के बारे में पढ़ा था, फंजाई का हमने ये सब डिस्कस किया था. या मैं डेफिनेटली, कल के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे और कल हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज को, बिकॉज आपका पाला जो नीट एग्जाम में पढ़ने वाला है ना, वो पड़ेगा नीट के क्वेश्चन से, मतलब एमसीक्यूज से. आपको थ्योरी तो वहां पर लिखनी नहीं है, पर थ्योरी पढ़ना इसलिए जरूरी है, वरना क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करोगे, है ना. तो उसके लिए अभी हम आज थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं और कल पूरे टाइम हम सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. तो कल का लाइव सेशन का जो लिंक है, दैट इज मैं लगा दूंगी उसका शेड्यूल इन, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. कल हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करने की कोशिश करो, ठीक है. चलो अब शुरू करती हूँ और ये कमेंट वाला सेक्शन बंद कर रही हूँ, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. हम सबसे पहले बात करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में. किंगडम प्लांटी में क्या होता है? प्लांट किंगडम तो वैसे हम पढ़ेंगे और एनिमल किंगडम भी हम अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से एनसीईआरटी ने हमें थोड़ा बहुत बता दिया है अबाउट द किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमेलिया. सो लेट्स बिगिन. किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें प्रोकैरियोट में सिर्फ मोनेरा आता है और सबके सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक होते हैं. क्लोरोफिल कंटेनिंग, वी ऑल नो कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो खुद से अपना खाना बनाते हैं. अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेटरोट्रॉफ. तो देखो, अभी हम मैंने आपको अभी अभी जस्ट रिसेंट बताया कि ये दे आर ऑटोट्रॉफिक, बट यहाँ पर लिखा है दे आर पार्शली हेटरोट्रॉफिक. तो ये पार्शली हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? सच एज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनमें इंसेक्ट्स रहते हैं, ठीक है. वो क्या करते हैं प्लांट्स, वो अपना खाना तो खुद से बना लेते हैं, बट अपने मिनरल्स के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए, वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, ठीक है. इंसेक्ट्स से वो अपना मिनरल्स लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसीलिए इनको पार्शली हेटरोट्रॉफिक क्या कहा गया है. ये फुल्ली हेटरोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज ना इतनी ज्यादा मांग नहीं है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा दैट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. और प्लांटी में हो सकता है ये लिखा आ जाए आपके सामने दैट कि प्लांटी किंगडम इज पार्शली हेटरोट्रॉफिक, तो आपको इसको राइट आंसर करना होगा, ठीक है. नाउ सच एज द इंसेक्टिवोरस, इसमें आता है ब्लैडरवॉर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, एंड कस्कटा इज अ पैरासाइट. तो कस्कटा जो है इट इज अ पैरासाइट, एंड ब्लैडरवॉर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप जो है दीज आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो ये जो ब्लैडर वर्ट होता है, इसमें एक ब्लैडर जैसा शेप होता है इस प्लांट में, और ये इंसेक्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है फॉर द मोर मिनरल्स एंड फॉर मोर नाइट्रोजन, ठीक है. नाउ द
Plant cells have a eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall made of cellulose. तो अभी हम समझ गए कि प्लांट किंगडम में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है. अभी 2 मिनट के लिए कमेंट सेक्शन खोल रही हूँ और मुझे बताओ फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है. मैंने आपको बताया कि प्लांटी की बनी होती है सेल्यूलोज की. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है. मैंने कल ही लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट द फंजाई. फटाफट से आंसर दो, आई एम वेटिंग. एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक होंगे और कुछ के गलत हो सकते हैं बिकॉज ऑफ आप लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हो. चलो जितने भी लोग हो, 7 है, ठीक है, फटाफट. काइटिन काइटिन काइटिन, वेरी गुड. अच्छा एक चीज अभी और बता दो, काइटिन के साथ एक और नाम भी तो है, सिर्फ काइटिन याद मत रखो क्योंकि या कमलेश सॉरी मैं आपका नाम फिर से भूल गई हूँ, जो भी हो आप, दैट इज पॉलीसेकेराइड. वेरी गुड, आपको आंसर देना है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, बोथ आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई. ठीक है, अभी ये बताओ मुझे कि मोनरा का सेल वॉल कैसा होता है, किसका बना हुआ होता है. विवेक, ओके याद रखूंगी मैं विवेक. अच्छा अभी मुझे बताओ कि मोनरा का सेल वॉल कैसा होता है, किससे बना हुआ होता है मोनरा का सेल वॉल. आई एम वेटिंग बच्चों, फटाफट से आंसर दो. आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है. मोनरा का सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन. वेरी गुड, उसका मैंने आपको एक नाम बताया था और यहाँ पर एक हिंट भी दे दी है, एक ट्रिक भी बताई थी और बहुत अच्छी ट्रिक थी. तो आई वॉन्ट कि आप सबको याद हो. अगर देखो याद नहीं है ना तो याद रखा करो. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मोनरा की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की और उसकी एक ट्रिक बताई थी, दैट इज द नाम एंड सॉरी नाग. याद है आप लोगों को, याद है कि नहीं है. या नाम एंड नाग, तो ऐसे आप लोग याद रखा करो. ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अभी से अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते, ये आपके बिल्कुल इनिशियल चैप्टर्स हैं, इनिशियल चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो फिर वेरी बैड, इट्स रियली वेरी बैड. तो रिवीजन के हिसाब से ही मेरे क्लास को अटेंड कर लिया करो. 1 घंटे के अंदर मैं आपको काफ़ी कुछ रिवाइज करवा दूंगी. मैं आपको डिटेल्स में लेकर नहीं जा रही हूँ बट डेफिनेटली मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. चलो मूव टू द नेक्स्ट थिंग. तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है. उसके बाद उन्होंने लिखा है कि प्लांटी के अंदर आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कौन से किंगडम के अंदर आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 distinct phases. जब आप प्लांट किंगडम का लास्ट वाला पोर्शन देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी साइकिल मिलेंगी, जैसे कि डिप्लोंटिक, हैप्लोंटिक, डिप्लो हैप्लोंटिक, डिप्लोंटिक, ऐसे करके बहुत सारे नाम है. तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. दैट मीन्स कि जो जनरेशन है उसका अल्टरनेशन होना. ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी पूरा कि अगर देखो 2 फेजेज आती हैं लाइफ साइकिल में. अगर डिप्लोंटिक है तो उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक और हैप्लॉइड है तो उसको हम बोलेंगे गैमेटोफिटिक. अब इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हो, देखो अगर हम बात कर रहे हैं हैप्लॉइड की तो हैप्लॉइड कैसा होता है, एन. ठीक है, हैप्लॉइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफिटिक, क्योंकि जो गैमीट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. अभी नेक्स्ट चीज आती है दैट इज द डिप्लॉइड. तो डिप्लॉइड इज अ स्पोरोफिटिक. यह चीज आपको अच्छे से याद रखनी है. जब आप चैप्टर पढ़ोगे प्लांट किंगडम तो वहां पर आपको ये स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा. दैट अल्टर्स विथ ईच अदर. तो ये दोनों फेजेस जो होते हैं एक दूसरे के साथ अल्टर करती हैं. द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो या तो
जो फेज है दैट इज हैप्लॉइड फेज, वो डिप्लॉइड पे डिपेंड रहेगी या फिर नहीं रहेगी, कुछ भी हो सकता है. तो वो सब हम तभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है यहाँ पर डिस्कस करने का. बस ये ध्यान रखो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टाइप का फिनोमिना है, वो हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इसमें एक होती है फेज जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज, और एक होती है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज. ठीक है, सो चलो मूव टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज द किंगडम एनिमेलिया. अभी मुझे कमेंट करके ये बताओ कि किंगडम प्लांटी वाला जितना पॉइंट था सब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? होप सो. नेक्स्ट टाइम से आप सबसे अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको सब कुछ क्लियर होगा. ओके आसिफ, ओके मैं आपके कमेंट का वेट किया करूंगी. चलो अभी मुझे बता दो, क्लियर हो गया ना सब कुछ किंगडम एनिमेलिया का? इट इज टोटली रिविजन. ठीक है, तो रिविजन के हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हो, मैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रही हूं. चलो मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द किंगडम एनिमेलिया. द किंगडम इज करेक्टराइज बाय द हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर. तो एनिमेलिया में आते हैं हम लोग और भी बहुत सारे लोग, सिर्फ हम ही नहीं, ह्यूमन बींग्स नहीं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं. बट हम कैसे होते हैं? हम होते हैं हेटरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक होता है जिसका नाम है मोनेरा. एंड किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाइस, सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड यूनिसेलुलर होता है सिर्फ प्रोटिस्टा एंड द मोनेरा. अभी मुझे एक चीज बताओ, मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर रही हूँ, बताओ मुझे ये कि फंजाई में ऐसा कौन सा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होता है? मैंने कल ही आप लोगों को बताया है, और जहां पर एक्सेप्शन आता है वहीं पर नीट का क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको बार बार एक्सेप्शंस याद दिलवाती हूँ. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से कि कौन सा यूनिसेलुलर होता है. अभी एक का आंसर आया है ईस्ट. वेरी गुड, वेरी गुड संजना, वेरी गुड सौरभ, और सब लोग कहाँ हैं? अगर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है, किसी और का नहीं है. जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी. एटलीस्ट ट्राई करो कि जब तक आपका नीट का एग्जाम है आप 1-2 लाख क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हो. कोई लाइव क्लासेस में अटेम्प्ट कर सकता है, आप लोग खुद से अपनी कॉपी पर अटेम्प्ट कर सकते हो. और बेसिकली जो 3 से 4 बजे का टाइम है ना, यहाँ पर आप सिर्फ रिविजन करोगे और MCQ पढ़ोगे. मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको रिविजन करवा रही हूँ, क्योंकि आई नो आप सब लोग पढ़े हुए हो, ऑलरेडी चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे, बट रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी गुड विवेक ईस्ट, आप में से 3 लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है, एंड आई वॉन्ट कि आप लोग आंसर दो. ठीक है, जितने लोग प्रेजेंट हैं ट्राई टू गिव आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. सो दे आर मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड लैक्स सेल वॉल. इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. तो ये सच्चाई है, हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे होते हैं. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी. तो हम अपना खाना अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, हमारे अंदर इंटरनल कैविटी होती है. एंड स्टोर फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन और अ फैट. तो हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एनिमेलिया के जितने भी लोग हैं उनकी बॉडी के अंदर एक स्टोरेज करने के लिए, खाने को रिजर्व करने के लिए ग्लाइकोजन और फैट की एक अच्छी खासी फ़ायदा मिलता है हमें, कि अपना खाना जो है वो ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, रिजर्व करके रख सकते हैं. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. होलोजोइक का मतलब क्या है? कि हम इंजेशन कर सकते हैं फूड को, ठीक है, ऐसे अंदर निगल सकते हैं. तो इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक. दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इन टू एन एडल्ट दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ साइज. तो एक ग्रोथ पैटर्न चलता है, मतलब पहले छोटा होता है बच्चा, जैसे हमारे में बच्चे होते हैं, एम्ब्रियो होता है, और हम बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, लार्वा होता है, ठीक है. तो इस तरीके से ग्रो करते हैं हम टिल द एडल्ट पहुँचने के लिए, और एडल्ट में पहुँच के हमारा जो शेप और साइज है वो डेफिनेट हो जाता है. हायर फॉर्म्स शो एलोबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. अगर हम हायर फॉर्म्स में जाएं, दैट इज अगर आप किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ोगे. सो फटाफट से किंगडम एनिमेलिया में आप लोग बताओ क्या क्या आता है. किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन से
आपको फाइलम्स देखने को मिलते हैं। तो किंगडम एनिमिलिया के अंदर आप लोगों के रिप्लाई आते जा रहे हैं, तब तक मैं भी बता देती हूँ। किंगडम एनिमिलिया में आता है पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथीस, एसके हेलमेंथीस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कॉर्डेटा। आप में से किसी एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, इट्स रियली वेरी बैड। आप लोग रिप्लाई किया करो, याद नहीं है तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया उसमें मैं आपको सारे फाइलम्स के नाम ना रटवा दूंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। इवन अगर अभी आपको डिटेल में पढ़ना है तो अनअकैडमी पे लेसन्स पड़े हुए हैं, डेफिनेटली देख लो, बच्चों ने बहुत पसंद किए हैं क्योंकि मैंने उसमें आपको ट्रिक्स दिए हैं याद करने की, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम हायर फॉर्म्स की बात करें, जैसे कि अगर हमारी फॉर्म्स में जाएं तो हमारे में बॉडी में क्या है, हमारे में सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, तो हम सब चल सकते हैं। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है कि मेल और फीमेल का कॉपुलेशन होता है, मेल के पास स्पर्म है, फीमेल के पास ओवम है, तो इस तरीके से उनका जाइगोट बनता है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। नाउ अब हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द वायरस, वेरियोट्स एंड प्रियोन्स एंड लाइकेंस, ठीक है। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर जितने स्टाक मार्क कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज अ नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे विटेकर अंकल जी थे उन्होंने किस किस में डिवाइड किया था, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड सॉरी हाँ मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाए, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इन सब में पांच डिवाइड कर दिए। बट उन्होंने कहीं भी लाइकेन को, वायरस को, वेरियोट्स, प्रियोन्स, इन सबको कोई जगह ही नहीं दी। अब जगह ना देने का क्या रीजन है, ये रीजन है क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि वेदर दे आर लिविंग और नॉट, बिकॉज जो वायरस है इट इज अ लिंक, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि अगर ये किसी पर्सन की बॉडी से बाहर रहता है तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। बट अगर ये किसी बंदे की बॉडी में चला जाए, जस्ट लाइक कोरोना वायरस, इट इज ऑल्सो अ वायरस, सो अगर वो किसी बंदे की बॉडी में चला जाए उसके बाद वो उसकी सारी मशीनरी, मतलब उसकी बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, उस पर अपना हक जताने लगता है। तो बाहर उसका कोई मतलब नहीं है, अगर किसी की बॉडी के अंदर चला जाएगा तो फिर उसको परेशान करेगा, ठीक है। तो इसलिए विटेकर ने नहीं रखा और इन सबको, वायरस, वीरियोस, प्रियोन्स को, बिकॉज दे आर ए सेलुलर, इनमें एक पहली पास तो इनके पास सेल्स नहीं है, ये भी नहीं बताया कि वेदर दे आर लिविंग और नॉट, ठीक है। सो दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर, तो उनको ब्रीफली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। दैट इज ऑल ऑफ अस who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us. So hum sabko pata hai agar humne kabhi bhi common cold ya flu hua hoga to we all know ki is virus ki wajah se ho jata hai, theek hai. And ab to corona virus ki wajah se sab jante hain ki virus kya hota hai. Viruses did not find a place in classification since they are not considered true living. To aapko dhyan rakhna hai ki virus ko kyun nahi rakha gaya विटेकर के क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये जो है ना ये ट्रू लिविंग नहीं है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर, जिनके पास सेल का एक स्ट्रक्चर है हम उन्हें लिविंग बोलते हैं। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं द वायरसेस आर ए सेलुलर, मतलब उनके पास सेल नहीं है। That are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Living मतलब हम सब लोग, living cell के बाहर अगर हमारा ये virus जो है, हमारा ये जो virus है, तो मैं आपको बताई थी हमारी living cell के बाहर जो virus है ये कैसा है, ये एक inert crystalline structure है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा
चीनी को, ठीक है, शुगर जो होती है वो कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है। तो कुछ इसी तरीके का होता है हमारा वायरस। इट इज इनर्ट, इनर्ट मतलब कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आउटसाइड द लिविंग सेल, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आपको ये दो डायग्राम दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दिया हुआ है ये टीएमबी का, टीएमबी इज अ टोबैको मोजेक वायरस, ये इसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है ये बैक्टीरियोफेज का। वो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब की वायरस, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को परेशान कर सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्फ। तो जैसे ही वायरस को कोई मिल जाता है ना, कहते हैं ना कि एक सहारा मिल जाता है ना जब वायरस को किसी की लिविंग सेल में पहुंचने का, तो वो उसके अंदर जाके उसकी मशीनरी पर ही अपना हक जताता है और वहाँ पर रिप्लिकेट करता है, ठीक है, और खूब सारे अपने प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे कि अगर आप HIV के बारे में पढ़ोगे इन द फर्दर क्लासेस, जब आप कोई भी अच्छे से मेडिकल कोर्स कर रहे होगे, तब आपको पता चलेगा कि जो HIV होता है वो किस तरीके से हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। मैं ऑब्वियसली पैथोलॉजी के जब मैं लेसन्स बनाऊंगी उसमें आपको पूरा पढ़ाऊंगी, तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से वायरस हमारी बॉडी के अंदर रिप्लिकेट करता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के अंदर रिप्लिकेट करके जो होस्ट है जिसको वो पाल रहा है उसी को ही किल कर देता है। तो इट इज कॉल्ड कि वायरस क्या है कि जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, ठीक है। द नेम, अब यहाँ पर आती है थोड़ी थ्योरी और ये है थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय डी आइवानोवस्की, ठीक है। तो 1892 आपको याद रखनी है ये सारी जो आपको डेट्स दी जाती हैं वो भी, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं ना ये जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं ये डेट पे ध्यान देते हैं और डेट चेंज कर देते हैं। अब अगर आपको पता है कि 1892 है तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा, है ना। तो 1892 में आइवानोवस्की ने क्या किया था, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिसीज ऑफ अ टोबैको, दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है जिसमें से सिर्फ बैक्टीरिया निकल सकते हैं, सॉरी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, दैट मींस कि बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे और सब जो छोटी छोटी चीजें वो निकल जाएंगी। तो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से भी निकल गए थे, इसीलिए बैक्टीरिया से छोटे कहा जाता है। M.W. विजेनरिक इन 1898, मतलब टोटल 6 साल बाद, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड एज द, तो इस फ्लूड को कहा गया कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। अब देखो जब 1892 था तो सबसे पहले डी आइवानोवस्की ने क्या बताया कि जो टोबैको की मोजेक डिसीज है, ठीक है, उसका ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद M.W. विजेनरिक ने 6 साल बाद ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि ये जो हम फ्लूइड निकाल रहे हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स में से, वो जो हमारे हेल्दी प्लांट्स हैं उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने इसको एक नाम दे दिया, जो आप ध्यान रखोगे कि विजेनरिक ने इनको एक सेंटेंस एक नाम दिया था, दैट इज द कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। नेक्स्ट आते हैं 1935, मतलब बहुत सालों बाद, अप्रॉक्स में मान लूँ तो ये रहे इनके टोटल 37 अराउंड साल बाद, W.M. स्टेनले ने क्या किया, शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो W.M. स्टेनले ने बताया कि ये जो वायरस हैं ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इनके जो क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन मिलता है। तो अभी हमें एक चीज समझ में आई कि जो वायरस होते हैं इनके अंदर प्रोटीन होता है। तो इस बात को याद रखना, अपने दिमाग में घुसा लो, कुछ भी करो, रटो, दीवारों पे लिख लो, व्हाट एवर यू आर डूइंग, फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, बट ध्यान रखना कि वायरस के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, उनकी जो होस्ट सेल है उसके बाहर जाके ये इनर्ट हो जाते हैं, मतलब इनका कोई वजूद नहीं रहता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऑब्लिगेट है, परमानेंट, ये परमानेंट पैरासाइट है, अकेले कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है।
इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. तो अभी हमें यह समझ आया कि वायरस के अंदर प्रोटीन होता है, क्योंकि WM स्टेनले ने बताया कि इसे क्रिस्टलाइज किया गया और इसके क्रिस्टल में हमें मिले प्रोटीन. ठीक है, अब प्रोटीन के साथ साथ इसमें एक और चीज मिलती है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल. दैट कुड बी आइदर RNA और DNA. ये RNA हो सकता है या फिर DNA हो सकता है, बट दोनों नहीं हो सकते. ये बात NCERT में बिल्कुल साफ साफ लिखी है. तो आगे से अगर कभी भी आपके सामने कोई भी MCQ आता है जिसमें लिखा हो कि वायरस के अंदर दोनों होती है, तो आपको क्या करना है, आपको आंसर लगाना है ना, वायरस के अंदर RNA DNA दोनों नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ RNA होगा या फिर DNA होगा, दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, चलो. अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. तो वायरस कैसा है, इट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कि इसके अंदर DNA है या फिर RNA है, वो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है. इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA. तो यहां पर इन्होंने कहा है वैसे वायरस जो कि हमारे प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA. तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि जिन्होंने प्लांट्स को इन्फेक्ट किया है वो कैसे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA. एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA. मतलब कि जिन्होंने एनिमल्स को अफेक्ट किया है वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो सकते हैं या फिर वो डबल या फिर सिंगल DNA हो सकते हैं. ठीक है, समझ आई सबको ये वाली बात. ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली लाइन ध्यान रखना. बल्कि मैं तो कहूँ ना, ये जो वायरस वाला ये पूरा पोर्शन है, इसको जितना रट सकते हो डेली उठ के पढ़ो, क्योंकि पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने देखे इसके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं. ठीक है, आते बहुत ही सिंपल ईजी हलवा से क्वेश्चन है, बट क्या करते हो आप लोग, गलत कर देते हो इतना ईजी होके भी. तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया. बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज दैट आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस. तो जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है वायरस, उसके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA. ठीक है, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर. तो अभी आप ये जो फोटो देख रहे हो उसके अंदर आपको दिखा कैप्सिड, इसके अंदर ये छोटे छोटे जो अंगूर जैसे देख रहे हो ना, लाइक ग्रेप्स लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द कैप्सोमियर. ठीक है, सो इस कैप्सोमियर से मिलके क्या बनता है, ये कैप्सोमियर जो है ये स्मॉल सब यूनिट है और मिलके बनाता है कैप्सिड को. प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. ये कैप्सोमियर करते क्या है, ये कैप्सिड करता क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर, उस वायरस के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि वो ही तो है मेन इन्फेक्शियस एजेंट. ठीक है, दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स. वायरसेस कॉज डिसीज लाइक मम्स स्मॉल पॉक्स हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा. तो आपको ध्यान रखना है कि वायरस कौन कौन से डिजीज कॉज कर सकता है. ये मम्स कॉज कर सकता है, स्मॉल पॉक्स कॉज कर सकता है, हर्पीज इन्फ्लुएंजा एड्स कर सकता है, जिसका वायरस कौन सा होता है, HIV. इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन. प्लांट्स में क्या डिसीज कर सकता है कि उसमें मोजेक फॉर्मेशन हो सकता है, उनकी जो लीफ है वो रोलिंग और कर्लिंग हो सकती है, जैसे कि लड़कियों के बाल होते हैं कर्ली कर्ली, वैसे ही जो लीफ है वो भी कर्ल हो सकती है इन वायरसेस की वजह से. येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग. तो जो आपने देखा होगा प्लांट बहुत येल्लो येल्लो से आते हैं, तो वो भी वायरस की वजह से हो सकते हैं, वायरस उन्हें अफेक्ट कर सकता है. ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ. हो सकता है प्लांट जो है वो ग्रो ना कर पा रहा हो, वो छोटा सा रह जाए, किस वजह से, वायरस की वजह से. तो अभी आपको समझ में आया कि वायरस हमारे एनिमल्स में और प्लांट्स में कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, विरियोड्स पॉन्स लाइकेंस. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दो मिनट के लिए कॉमेंट सेक्शन ऑन कर रही हूँ और टेल मी आपका सवाल. मैं सॉरी पढ़ नहीं पाई, वेट मैम. आपकी वायरस मैम कहा, आपने कहा कि वायरस कोई जिंदा एनिमल में अपनी अपना हक जताता है, तो जब एनिमल मर जाता है तो क्या वायरसेस भी मर जाता है?
नहीं, सेल तो है उसके अंदर, वायरस तो नहीं मर सकता ना, क्योंकि वो बाहर आएगा तो वो इनर्ट, उसको नया सेल मिल जाएगा, वो फिर से वैसे ही करेगा। ठीक है, देखो अफशा, मुझे नहीं पता कोरोना वायरस इज वेदर आरएनए और डीएनए उसके पास क्या है, आई डोंट नो अबाउट द कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड अभी तक बहुत सारी फेक न्यूज़ भी हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी मेडिकली इतना प्रूवन नहीं है, तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती रिलेटेड टू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बैक्टीरियोफेज वायरस का आकार रोबोट जैसा ही होता, आकार रोबोट जैसा ही होता है। ओके, मतलब आप इसको बोल रहे हो ये वाला, या इट्स लुकिंग लाइक अ रोबोट, और ये कैसा होता है, इसका डीएनए कैसा होता है, फटाफट से बताओ। अभी अभी मैंने बताया है, और मैं हमेशा ना ऐसे पढ़ा पढ़ा के क्वेश्चन पूछती हूँ, तो फटाफट से आंसर बताओ कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है। मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता, डीएनए होता है। टेल मी कि उसका स्टैंडर्ड कैसा होता है, सिंगल या डबल। अब इतना सब कुछ तो बता दिया, अब तो आंसर दे सकते हो आप लोग, डबल होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फटाफट से आंसर दे दो, आई एम वेटिंग, और फिर हम बढ़ेंगे वीडियोस प्रियंस की तरफ। ठीक है, सब भूल गए क्या, किसी को याद नहीं आ रहा, मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको। यहाँ पर देखो दिख रहा है, बैक्टीरियोफेज, मैंने रेड लाइन किया हुआ है, बैक्टीरियोफेज एंड डबल स्टैंडर्ड, या वेरी गुड, आपका नाम विवेक, वेरी गुड विवेक, आपने आंसर सही दिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट टाइम से याद रखना, कल पूरे टाइम हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कल आप सबकी डांट भी पड़े। वेरी गुड संजना, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, अपशय योर राइट आंसर, की डांट पड़ सकती है, क्योंकि मैंने ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली अदर एजुकेटर्स से भी पढ़ा होगा, अपने क्लास में भी पढ़ा होगा, अपने ट्यूशन से भी पढ़ा होगा, सेल्फ स्टडी में भी पढ़ा होगा। उसके बाद भी अगर नहीं आता, उसके बाद भी समझ नहीं आता, याद नहीं होता, एमसीक्यू नहीं लगते, तो फिर आप मेरी डांट सुनोगे। ठीक है, तो इसके लिए आज रात ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करके सोना, क्योंकि कल होगा इसका एक एमसीक्यू। ठीक है, ओके, नेट प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, वेरी गुड महेश, वेरी गुड। चलो मूव टू दी विरियॉज, प्रायंस एंड लाइकेन, सबको वायरस के बारे में सब क्लियर हो गया, क्योंकि वायरस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। चलो अब पढ़ते हैं हम विरियॉज की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होता क्या है वायरस और विरियॉट्स में, फर्क क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखो, इन 1971, हाँ, जब वायरस की बात कर रहे थे तो हमने कौन कौन सी डेट्स देखी थी, दैट इज द 1892, 1898 एंड 1935। पर ये जो विरियॉट्स है ना, ये बहुत टाइम बाद आया, देखो कितना टाइम हो गया, 1971, तो ये रीसेंट है थोड़ा सा, है ना। 1971 अप्रोक्स कितने साल हुए, 50 साल हुए हैं विरियॉट्स को आए हुए, है ना, वायरस बहुत पुराना है। तो विरियॉट्स क्या है, इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये जो डाइनर थे, इन्होंने मरने का, डाई होने का एक नया इन्फेक्शियस एजेंट और ढूंढा, दैट वॉज स्मॉलर देन वायरस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वायरस से छोटा। अब एक बात बताओ, आपके घर में कोई भाई बहन आपके बाद पैदा होगा तो ऑब्वियसली वो आपसे छोटा ही तो होगा। तो ऐसे ही सेम ये है कि वायरस तो बहुत पुराना है, वायरस कितना बूढ़ा है, देखो 1892 का है, और इसकी लास्ट अभी हमने जो डेट पढ़ी, दैट इज 1935, इतना पुराना डेट का है जो बंदा, उसके बाद जो भी पैदा होगा वो उससे छोटा ही होगा ना। तो वेरियॉट्स वॉज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, पीएसटी डिसीज कौन कॉज करता है, विरियॉट्स कॉज करते हैं। अभी हमने पढ़ा था प्लांट्स में वायरस क्या करते हैं, कर्लिंग, येलो इंक, ड्वार्फिंग, स्टंट ग्रोथ। तो बेसिकली जो हमारा ये जो वायरस है ना, ये प्लांट में उनकी खूबसूरती को छीन लेता है, उनके अंदर मोजेक फॉर्मेशन कर देता है, उनकी लीफ को रोल कर देता है, उनकी वेन्स जो है वो येल्लो हो जाती हैं,
उसकी जो ग्रोथ है प्लांट की वो छोटी हो जाती है। तो वायरस ने कोई ऐसी डिसीज नहीं कॉज की, वायरस ने जो बाहर से दिख रहा था ना प्लांट उसकी लगा दी। ठीक है, समझ आया वाला। अब वीरियोट्स के बारे में हम बता रहे थे, तो वीरियोट्स ने क्या किया, इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या मिला, फ्री आरएनए मिला, बट वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है, इट इज फ्री आरएनए। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। तो जो प्रोटीन कोड वायरस के अंदर मिलता है, बताया था मैंने प्रोटीन कोड के बारे में, जो वायरस के अंदर मिलता है वो इन वीरियोट्स के अंदर नहीं मिलता, तो इसको हम कह सकते हैं ये नेकेड होता है। अब छोटा पैदा हुआ है, मतलब वायरस के बाद पैदा हुआ है, तो कैसा है, बेचारा नेकेड है। ठीक है, तो इसको प्रोटीन कोट नहीं मिल पाया। उस टाइम पे कोट चलते थे जब वायरस पैदा हुआ था, तो उसको मिल गया, पर बेचारे वीरियोट्स को नहीं मिला। एंड द इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, वीरियोट पड़ गया, क्योंकि इसके पास प्रोटीन कोट नहीं था। द आर एन ए ऑफ द वीरियोट वॉज ऑफ अ लो मॉलिकुलर वेट। तो इससे रिलेटेड अभी एक नीट, अभी मैंने आपसे एमसीक्यू का क्वेश्चन भी पूछा था कि वीरियोट का जो मॉलिकुलर वेट होता है आर एन ए का, वो कम होता है या ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, क्लियरली आपके एनसीईआरटी में लिखा है लो मॉलिकुलर वेट। तो वही कंपेरिजन में देख लो वायरस से, तो वायरस से तो कम ही होगा ना मॉलिकुलर वेट आर एन ए का, क्यों बात पैदा हुआ है। तो सिंपल सी बात रखो कि पहली चीज ये इंफेक्शियस एजेंट तो है, दूसरी बात इसे 1971 में, मतलब से 50 साल पहले करीब, टीओ डाइनर ने डिस्कवर्ड करा था। वायरस से छोटा है, वायरस का छोटा भाई है समझ लो, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं है, इसीलिए इसका नाम वीरियोट पड़ गया था। और ये क्या करता है, ये कॉज करता है पीएसटी डिसीज, दैट इज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, एंड इसका जो आरएनए का मॉलिकुलर वेट होता है वो भी कम होता है। मूव टू दी नेक्स्ट, प्रियॉन्स। अभी आप लोग बताओ मुझे, जितने भी लोग थे, कंफर्म क्लियर हो गया, ओके। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि वीरियोट्स के बारे में आपको जितना समझाया सब कुछ क्लियर हो गया, वायरस वीरियोट्स में आपको एक कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत गलत करते हैं इसको, इसलिए मैंने आज आपको एक स्टोरी की तरीके से बताया कि वायरस वो वीरियोट्स क्या है, वायरस का छोटा भाई है। फटाफट से कॉमेंट करके बताओ, वीरियोट्स क्लियर हो गए, वायरस क्लियर हो गया, नेक्स्ट मूव टू दी प्रियॉन्स एंड द लाइकेंस। यस मैम क्लियर हो गया। जी मैम आज नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है मैम। अरे तो आप लोग पता है क्या करा करो, जब मैं ये अपलोड कर देती हूँ ना लाइव सेशन, तो वो पूरा कंप्लीट देख लिया करो। ठीक है, कंप्लीट देख लोगे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वेटेज भी पता चल जाएगा, और साथ ही साथ आपको सारा रिवीजन भी हो जाएगा है। और बेसिकली मेरा एक घंटे का होता है लाइव सेशन, एक घंटे के लाइव सेशन के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, और सिर्फ वही डिस्कस करते हैं जो कि आपके पेपर में आ सकता है, अदरवाइज कुछ भी फालतू बकवास नहीं होती है। चलो सबको क्लियर हो गया, अब हम बढ़ते हैं प्रियॉन्स की तरफ। In modern medicine, certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. अब P से है prions, तो P से ही है उसका सारा कारनामा, that is the protein. ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हम modern साइंस की बात करें, मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, तो उसमें जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज थी, what is neurological disease, that is related with your CNS. Related to your brain, spinal cord, nerves. तो neurological disease में ऐसा पता चला कि कोई एक agent है जो कि ये disease transmit करता है, ठीक है? और उसके पास, उस agent के पास क्या है? एक folded, abnormally folded protein है, abnormal है, ये चीज़ रखना, abnormal folded protein है। The agent was similar in size to virus. और ये जो agent है ना, prions, जो एक एजेंट है वो सेम कैसा है, वायरस जैसा है साइज में। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स, उनको हमने प्रियॉन्स कहा, समझ आई बात। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बीएसई। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो प्रियॉन्स है ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज कर रहा है। और ये जो एनसेफली वर्ड है ना, ये एनसेफेलो, इट इज रिलेटेड विथ आर ब्रेन। ठीक है, आपने सुना होगा एनसेफेलोपैथी के बारे में, एनसेफेलो
एनसेफेलाइटिस के बारे में, जैसे मेनिनजाइटिस होता है ये, ऐसे ही एनसेफेलाइटिस होता है, ठीक है। तो एनसेफेलोपैथी कॉज करता है, जिसको कॉमनली हम मैड काउ डिसीज भी कहते हैं इन कैटल्स। तो प्रियॉन्स जो है ये न्यूरोलॉजिकल, हमारे ब्रेन हमारी नर्व्स पर अफेक्ट करता है ये प्रियॉन्स, और ये क्या कॉज कर रहा है, मैड काउ डिसीज। एंड इट इज एनालॉगस वेरिएंट जेकॉब डिसीज इन ह्यूमंस, और हम ह्यूमंस में कौन सा डिसीज कॉज करता है, जेकॉब डिसीज प्रियॉन्स। समझ आया, प्रियॉन्स ने क्या किया, पहली चीज पीछे याद रखो, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स के पास है प्रोटीन, पर ये जो विरियॉस था ना इसके पास प्रोटीन नहीं था, बट ये जो प्रियॉन्स है क्योंकि ये पी से है इसका, इसके पास प्रोटीन है। इसने न्यूरोलॉजी पर अफेक्ट किया, हमारा दिमाग खराब किया बेसिकली कहें तो। इसने कैटल्स में मैड काउ डिसीज करी और हम में ह्यूमंस में उसने जेकॉब डिसीज की, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जब मैंने आपको शुरू में फंजाई के बारे में पढ़ाया था तो उसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन जब एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, दैट इज एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन्स आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली रिलेशनशिप, जैसे हम कहते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड, फेसबुक पे होते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, वैसे ही जब ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं एल्गी और फंजाई, तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट, जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। इसीलिए जो एल्गी वाली हम जो पढ़ाई करते हैं ना, एल्गी वाली जो स्टडी होती है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। एंड फंगल कंपोनेंट जो है वो होता है माइकोबायोंट। तो जब हम फंजाई की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। एंड जहां भी वर्ड लास्ट में लगा होता है लॉजी, दैट इज मीन कि किसी चीज की हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे होता है फिजियोलॉजी, मतलब हम फिजियो अपनी बॉडी के बारे में नॉर्मल कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज पैथोलॉजी, मतलब कुछ पैथोलॉजिकल पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिसीज कुछ हुई है बॉडी में उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो वैसे ही बात आ गई फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी की। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। तो लाइकेन के अंदर जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंजाई वाला कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो एल्गी है ये क्या है, इट इज ऑटोट्रॉफिक और माइकोबायोंट इज अ हेटरोट्रॉफिक। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी काम क्या है, देखो एल्गी इज लाइक अ वाइफ फॉर फंजाई। तो एल्गी ने खाना बनाया अपने पति के लिए जिसका नाम है फंजाई, एंड फंजाई ने उसको शेल्टर दिया, उसको मिनरल न्यूट्रिशन दिया, उसको वाटर दिया अपने पार्टनर के लिए। तो इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कि तुम भी मेरे लिए कुछ करो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँ और हम बन जाए एक दूसरे के हमसफर। दैट इज कि एल्गी और फंजाई ने शादी कर ली, एल्गी ने खाना बनाया फंजाई के लिए और फंजाई ने उसे अपना घर दिया रहने के लिए, उसको खाना पीने के लिए दिया। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। नाउ नेक्स्ट, सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organism within them. तो lichen के अंदर क्या है, ये दोनों चीजें हैं, उसके अंदर algae की property भी, उसके अंदर fungi की property भी। Lichens are very good pollution indicators, they do not grow in polluted areas. So lichen जो है वो polluted areas में grow नहीं करते हैं। सोचो कितने पवित्र हैं कि ये जो polluted area होता है वहाँ पर grow नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का पूरा explanation। अभी मुझे ये बताओ सब क्लियर हो गया, समझ आ गया कि विरियॉट्स क्या थे, प्रियॉन्स क्या थे, lichens क्या था, वायरस क्या था। क्योंकि आज मैंने आपको काफ़ी थोड़ा सा स्टोरी करके समझाया, बिकॉज मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ये वाला जो चैप्टर है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो पार्ट है चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को सब याद रहे, कभी भी भूलो ना, इसलिए मैंने एक स्टोरी बनाई कि वायरस का छोटा भाई कौन है, फटाफट से आंसर दो। एक फन सा क्विज कर लेते हैं कि वायरस का छोटा भाई कौन है। आई एम वेटिंग फॉर आंसर, जितने भी लोग हो, और जितने भी लोग हो ना जिसने लाइक नहीं किया अभी तक, फटाफट लाइक कर दो, और जैसे लाइव सेशन खत्म हो सबके साथ शेयर करना ये लाइव सेशन, ठीक है, ये आप लोगों का काम है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड महेश, आपको क्लियर हो गया। विवेक क्लियर हो गया, विरियॉट्स वेरी गुड, महेश संजना बिल्कुल सही आंसर दिया कि विरियॉट्स। अच्छा, विरियॉट्स के पास प्रोटीन कोट है या
नहीं है? विराट्स के पास प्रोटीन कोट है या फिर नहीं है? नहीं है, वेरी गुड, नहीं है, सही आंसर दिया बिल्कुल आपने। और प्रियॉन्स के पास प्रोटीन है कि नहीं है? मतलब काफी इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वैसे मैं मजाक चल रहा है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा लाइट मूड हो जाता है अगर हम इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, ऐसे स्टोरीज आपको अच्छी लगती है, समझ आता है इन स्टोरीज से? बिकॉज आई हैव सो मैनी स्टोरीज, मुझे ट्रिक्स स्टोरीज इस तरीके से पढ़ाना काफी अच्छा लगता है, जिससे कि बच्चों को एटलीस्ट क्लियर हो जाए, है ना? क्योंकि अगर हम बोरिंग तरीके से पढ़ाई करेंगे तो मुझे तो याद नहीं होता, किसी को याद हो या ना हो, ठीक है? नहीं है, चलो ठीक है। अब आई होप कि कल अगर मेरे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रियॉन्स, वेरियॉट्स, वायरस, इन सब से रिलेटेड जो भी होंगे वो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो मिलते हैं कल के लाइव सेशन में, और अच्छे से प्रिपेयर करना आज के आज ये लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना। और कल MCQ में मैं चाहती हूँ आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहे, और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे कल के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर करके आना। नेक्स्ट चीज, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द प्लांट किंगडम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खत्म हुआ ये वाला चैप्टर। और हाँ एक चीज, जब अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करोगे तो उनसे बोलना सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा आप लोग चाहते हो मैं अगली बार स्टोरीज में ही पढ़ाऊँ? ओके डेफिनेटली आई विल ट्राई, क्योंकि पता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टोरी और ट्रिक्स से पढ़ रहे हो ना तो आपके दिमाग में वो एटलीस्ट वो स्टोरी बैठ जाती है। जैसे जितनी बार मैंने आज बोला कि वायरस का छोटा भाई कौन है, विराट्स, आप लोग को याद रहेगा, है ना? अभी आपको डेट्स भी याद रहेंगी कि ये जो हमारा वायरस था ये आया था 1892 में, तो बहुत पुराना है। जो टीओ डाइनर ने दिया था, उन्होंने दिया था 1971 में, कुछ 50 साल पहले, तो इससे याद रहता है, ठीक है, थोड़ा रिलेटेबल कर लेते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नन्ना मुन्ना सा। सबको पता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? सबको पता है ना, पूछने की जरूरत तो है नहीं, सबको पता है। RH विटेकर अंकल जी ने दिया था। कब दिया था, मतलब डेट बताओ मुझे। आई वॉन्ट आंसर कि जैसे मैंने ये बताया आपको वायरस की वाली डेट बताई थी जैसे 1892, ऐसे ही सेम टू सेम मुझे फटाफट से आंसर बताओ, RH विटेकर ने किस डेट में, किस सन में आपको ये क्लासिफिकेशन दिया था? ओके अभी फटाफट से आंसर दे दो, और जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। महेश का आंसर है 1969, और फटाफट सब लोग आंसर दे दो तो हम आपको NCERT में ही दिखा देंगे कि क्या है इसका आंसर। चलो और लोगों को नहीं आता क्या? वेरी बैड, अगर आप लोगों को याद नहीं है मैंने उस दिन के लाइव सेशन में भी आपको बताया था। एंड इज वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, 1969। ये देखो NCERT में दिया है, आप लोग आउट ऑफ NCERT भागते हो और NCERT की बातें याद नहीं करते हो। ये देखो क्या लिख रहा है, RH विटेकर 1969। पूरा बहुत गलत आंसर है आपका, 1994 नहीं, 1969। देखो क्लियर दिख रहा है ना, समझ आया? दीपक बिल्कुल सही, 1969, वेरी गुड। तो कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, कुछ छोटे होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ बहुत इजी होंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, शेयर दिस लाइव सेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक द लाइव सेशंस एंड आल्सो ऑल द वीडियोस। ओके कोई बात नहीं, दीप्ति वेरी गुड आंसर 1969। अफशा आपका आंसर बिल्कुल गलत है, 1968 नहीं, आप एक साल और आगे बढ़ जाती तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता, आंसर इज 1969। चलो बाय बाय, टेक केयर।